हेलो फ्रेंड्स, आज पिक्सार्ट को हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले पिक्सार्ट ओपन करेंगे तो ऐसा दिखेगा। उसके बाद इस प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपकी गैलरी की इमेज हैं वो आ जाएंगी, तो कोई भी फ़ोटो चूज कर सकते हैं। जैसे कि ये फ़ोटो चूज किया मैंने, इसको यूज करने के बाद आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो उसके लिए टूल्स टूल्स पर फ्री क्रॉप पे ओके करना है, फ्री क्रॉप दिखेगी। उसके बाद जूम करके धीरे धीरे से रेड कलर से वो करना है बाहर, जिसका इसे हम ब्रश भी कम कर सकते हैं। इसके जो शर्ट है उसी पे क्लिक करना है। बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाहर का एरिया भी बैकग्राउंड में आ जाएगा, पिक अच्छी भी नहीं दिखेगी। धीरे जूम कर करके पूरी बॉडी पर ऐसे ही करना है। तो जूम करके पूरा रेड कलर करके, जो मैंने ऐसे कर लिया तो आपको कर लेना है जूम कर करके धीरे 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 धीरे। करने के बाद आपको इसके क्लिक करना है, जो राइट एंड पे ये आ रहा है। यहाँ के बाद आपको ये पिक सेव कर लेनी है पहले गैलरी में अपनी पर। एक और बार इस पर करना है क्लिक, ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, जहाँ भी सेव करनी है आपको। अगर शेयर करनी है तो शेयर भी कर सकते हैं, गैलरी पर सेव कर लेना है। तो ये पिक मेरी सेव हो गई है गैलरी में, तो डन कर देना है। तो आपको पहले अब वो पिक चूज करनी है जहाँ पे ये पिक का बैकग्राउंड लगाना है। जैसे मेरे को यहाँ पे लगाना है तो मेरे को ये पिक लगा देनी है। तो इसके बाद नीचे आ जाइए, आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है। ऐड फोटो पर जो पिक आपने अभी की है एडिट करी, वो वहाँ पर सेव हो जाएगी, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। उस पर क्लिक कर देना है रिसेंट, और ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड व्यूअर, जहाँ भी आपको ये पिक को रखना है वहाँ पर रख सकते हैं। तो थोड़ा बड़ा और साइज के हिसाब से लगा सकते हैं आप। यहाँ पे आपको रख देना है, आपको क्लिक कर देना है जहाँ भी फोटो, जैसे मेरे को यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद पिक के निशान पर क्लिक कर देना है, यहाँ के बाद फिर ये कर देना है, और आपकी फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगी, और आपको ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। आप इस फोटो को फिर देख भी पाओगे गैलरी में। तो मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँ जो मैंने अभी एडिट किया है, वो पिक्सआर्ट के फोल्डर से आ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो ये फ़ोटो आ चुकी है फोल्डर में। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो एंड शेयर इट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।